खबर रीवा जिले के जवा थाने से है, जहां अपराधी लुटेरे गुंडे नशेड़ियों खनिज माफियाओं और अपहरणकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं, जिस वजह से आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है। ये अपहरण की पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी जवा थाने से 1.5 किलोमीटर दूर पूर्व बरेती सरपंच राघव दास कुशवाहा का जवा थाने से निकलते ही अपहरण हुआ था, जिसमें आज तक FIR दर्ज नहीं हुई है। लेकिन कार्यवाही न होने की वजह से ये जवा थाने की दूसरी बड़ी अपहरण की घटना है। गनीमत है कि अपहरणकर्ताओं के द्वारा नकदी लेकर छोड़ दिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मिली जानकारी के अनुसार रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल के त्वरित एक्शन के बाद छूट कर आए व्यापारी से पूछताछ कर और मोबाइल लोकेशन के आधार पर दो लोगों को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिसका जल्द खुलासा होने की उम्मीद है। वही व्यापारी मोतीलाल सोनी ने बताया कि कल रात्रि करीब 8 बजे के आसपास अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था, तभी जैसवाल ठीहा के पास कार में सवार अज्ञात अपहरणकर्ताओं ने कार से धक्का मारकर गिरा दिया। इसके बाद मुझे बीच वाली सीट में बैठाकर आंख मुंह बंद करके गढ़ी रोड की तरफ ले गए। मेरे पास कुछ नकदी और झोला थे, जिसे लेकर गढ़ी के पास छोड़ दिए। बाइक सवार की मदद से गढ़ी चौकी पहुंचा, वहां से साथियों और घर वालों को फोन लगाया, जिनके माध्यम से जवा आया। चोट भी लगी थी, जिसका उपचार जवा में कराया गया, जिसकी रिपोर्ट जवा थाने में दर्ज कराई गई है। चुरभेट वाला लगा, गाड़ी से गिरे नहीं जब बटा मार दी नहीं हो कट्टा एक चाकू ले रहे चाकू लगा गोड़े हाथ एक दिन लगा बारे में बड़ा